एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का, उसी रैप्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जाने रैप्ट फॉर्मूला करता क्या है, ये चीज को एक बार समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। जैसे कि अगर हमने यहां पे ए लिखा और रैप्ट फॉर्मूले में रिसीव हो गया, रैप्ट फॉर्मूले में हमने बोला कि इसको 5 टाइम रिपीट कर दो, ये 5 टाइम रिपीट कर देगा। लेकिन इसका एक्चुअली में ऑफिशियल यूज क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं। यहां पे हम कुछ सेल्स का फिगर ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस डेटा पे हमें बार लगाना है, डेटा बार लगाना है, तो हम यहां सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग 2003 यूज करते थे, उसमें फीचर नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसको लगा लेंगे तो किसी जगह पे हम कॉल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पे वी लुकअप या एचलुकअप या किसी तरह से कॉल करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ वैल्यू कॉल होगी, हमारा डेटा बार कॉल नहीं होगा। और इसमें अगर हम अलग से डेटा बार लगाएंगे तो डेटा बार तो पूरा लगेगा, चाहे यहाँ वैल्यू 20 क्यों ना, क्योंकि इसको इसके अकॉर्डिंग तो कंपेयर नहीं करेगा ना। तो हमें अगर कहीं डैशबोर्ड पे इस डेटा को लेके आना है, साथ में बार को लेके आना है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में दी गई ए बार सूटेबल नहीं, क्या करेंगे, रूल करते हैं। तो यहां पे हमें रेफ्ट फॉर्मूला हमारा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, चलिए इसी चीज को हम बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ रैप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और रैप फॉर्मूला में हम करेक्टर जो है, एक करेक्टर होता है, ये आपका बैक स्पेस के बगल में होता है, इसको लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो हुआ इस तरह से, लेकिन काफी बड़ा बन गया है। तो इस पे एक फॉन्ट होता है, मैं इसी फॉन्ट को शो कर रहा हूं। एक फॉन्ट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड का, इस फॉन्ट को यूज करेंगे तो जो अलग अलग था वो कंटिन्यूअस लाइन में बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो हम जो A2 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो गया ना सर, तो हम एवरेज इसका लेंगे और उसका मैक्सिमम डिविडेंड निकाल के, एक होता है आपका GCD। एवरेज भी ले सकते हैं, ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। इसकी कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं आप, यहां से ग्रीन कलर, और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहां हमारा लॉस है और यहां हमारा प्रॉफिट है। लॉस हमारा माइनस में है, नहीं माफ कीजिएगा, एक ही सिस्टम में लॉस एंड प्रॉफिट है यहां पे।
इसमें जो लॉस है वो माइनस में है। प्रॉफिट जो है वो जो है प्लस में, तो मुझे यहां पे करना है। तो यहां पे हम इफ फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो है तो क्या हो, रैप्ट का फॉर्मूला चले, और इसको माइनस में अगर दिक्कत होगा तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं एवीएस फॉर्मूले से, और इसको डिवाइड कर देते हैं फाइव से, अदरवाइज ये ब्लैंक हो जाए। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और सेम फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं और यहां रखते हैं, बट यहां कंडीशन में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, और इस पे भी हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट यूज करेंगे जो नीचे था। उसके बाद इसको जो है हम कर देते हैं यहाँ साइड में, और इसको भी कर देते हैं इस साइड में, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, बॉर्डर पे ये मोटा मोटा वाला लेता हूँ, और हाँ सही है, और राइट क्लिक यहाँ भी है हमारा, ऊपर वाला बोरा ले लेता हूँ टॉप, इसको कलर कर देता हूँ रेड, इसको कर देता हूँ ग्रीन। टेक्स्ट कलर अप्लाई होता है सर, इसको और बेटर दिखाने के लिए पेज लेआउट में जाएं और ग्रिड लाइन को अनचेक कर दें। तो इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आया सर समझ में?